आज का मेरा ये व्लॉग जो है ना ये बहुत स्पेशल हो रहा है। पहला आपने अभी लक्ष्य भाई को देखा, अब सब स्टार्ट किया इन्होंने अक्टूबर नवंबर में 2000। कौन है राइड विद राज, इनको फॉलो करते ट्रैक लेता है। सो आज ये सर ये मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। आई एम लकी कि मेरे को दो जन मिले आज व्लॉग में और पॉइंट मिलेंगे। अब सब मिलेंगे 5 बजे मीटअप पे आओगे तो सब मिल जाएंगे। सर आप भी सब्सक्राइब। अरे 100% नो, आई विल वॉच यू ट्रैक डेफिनेटली। अब एक सरप्राइज बहुत बड़ा है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा है बीइंग अ छोटा यूट्यूबर। कल मेरे को लक्ष्य भाई मिले थे आरएम पे, आज लक्ष्य भाई मुझे मैंगो ट्री पे दिखाई दिए, मैंगो ट्री कैफे में थे लक्ष्य भाई और राइड विद राज बैठे बात कर रही है जस्ट, एंड बात में ये भाई क्या है ये? भाई मेरे लिए लक्ष्य भाई ने अभी मेरा बाइक का ट्रायल मारा, पावर ट्रेनिंग लगा हुआ सब कुछ लगा है, पूरा लोडेड गाड़ी है। आप बताओ गाड़ी कैसा लगा? चला गाड़ी तो भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल इतना फील होता है, फील ही नहीं था। और वो एग्जॉस्ट में पट 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 मजा आ गया। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक ऐसी हो। बाकी बॉम्बे आ रहा है फोन करवाने का, मचा देगा भाई। बॉम्बे आ रहा है बजाने वाला है, भाई का गाड़ी बनने वाला है, मेरा डुप्लीकेट मचाएंगे। प्रॉपर्टी देखो क्या मस्त मिला है, सीरियसली आई एम सो लकी टू हैव अ स्टे ऐसे एक प्रॉपर्टी पे, अच्छा एक स्टे मिला हुआ है। ओह वाओ लाइट डाला नहीं है मैंने, लाइट ऑन कर देता हूँ। अभी दोपहर के ब्लॉग में आपने देखा लक्ष्य और राइड विद राज, अब उनका मीटअप है वहीं पे आए हुए, अब देखते हैं। क्या कमरा है ये? USR मिररलेस। ओहो आर आरपी। हाँ कितना भाई है? शिट एक्सपेंसिव बट आल्सो सो हेवी आई थिंक। या इट लुक्स वेरी हेवी। राइट ओ शिट ये यार ताकत चाहिए आपके जैसे। यस्टरडे आई गॉट अ फोटो विद यू बट आई गेट द चांस टू बी इन द व्लॉग। Hey guys, welcome back to the channel with a new video. This is my channel. Yes, exploring for peace is the channel. Yeah, man. So, दोस्तों, आज 24th November ये दिन याद रखा जाएगा मेरे लिए। मेरे ऐसे छोटे यूट्यूबर के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। आज मुझे एक्चुअली मेरे व्लॉग के अंदर मुझे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में और आज के व्लॉग में दोनों में मैंने लक्ष्य को BTR लक्ष्य इनको इंट्रोड्यूस किया था। इंस्टाग्राम अगर आप मेरे हैंडल देखते हो तो आपको मालूम होगा, उसमें मैंने बुल्लू बाइक के साथ एक फ़ोटो डाला था, बुल्लू बाइकर राइडर गर्ल विशाखा के साथ मैंने एक फ़ोटो डाला था। और आज का दिन कुछ अलग हुआ,
मैं राइडर मेनिया खाली 10 मिनट के लिए गया था, उसके बाद जस्ट हम लोग घूम रहे थे, तो फ्रेंड का फ़ोन आया और बोला कि लक्ष्य और राइड विथ राज दोनों भी वहाँ पे बैठे एक जगह पे, तो वो लोग भी वहीं पे थे, मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया था, तो फिर मैं गया। एंड लकीली आज का दिन इतना अच्छा गया कि मैं उनको मिला, व्लॉग में ऐड किया, एंड आई वॉज ऑल्सो लकी उनके व्लॉग का भी एक पार्ट बन पाया। मेरा फ्रेंड का फ्रेंड राइड विथ राज को बहुत फॉलो करता है, राज भाई थैंक यू फॉर दैट, आपने वीडियो कॉल में मेरा दोस्त रॉबिन से बात किया, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपने उसको भी आपके ब्लॉग के पार्ट में लिया, वो सबसे अच्छा लगा, बहुत रेस्पेक्टफुल बात था। ये होने के बाद लक्ष्य भाई से मेरा बात हो गया, लक्ष्य भाई के साथ कम से कम एक 10-15 मिनट हम लोगों ने बात किया, लक्ष्य भाई भी व्लॉग में आए। और इसके सबके अलावा लक्ष्य भाई को कुछ चीज़ के बारे में बात चल रहा था, तो मेरे साथ मॉन्टी भाई थे, तो उस टाइम पे मैंने बोला ये जो चीज़ आप बात कर रहे हो मेरे गाड़ी में किया हुआ है, आप बाइक का टेस्ट ड्राइव लो। लक्ष्य भाई ने टेस्ट ड्राइव लिया, बहुत खुश हो गया, लक्ष्य भाई बहुत खुश हो गए एंड उन्होंने मेरे गाड़ी का काफ़ी अप्रिशिएट किया। सीट्स उसको उनको बहुत अच्छा लगा, लिटरली वो गाड़ी से उतरने तैयार नहीं था, उनको सीट्स बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अलावा पावर परफॉर्मेंस, जैसा आप लोगों को सबको पता है परफॉर्मेंस के बारे में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है गाड़ी पे, तो उनको अच्छा लगा। लाइफ में अगर मुझे कोई चांस मिले लक्ष्य भाई के साथ एक कोलैब वीडियो, लक्ष्य भाई आप ये अगर वीडियो देख रहे हो थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई व्लॉग, बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको राज भाई राइड विथ राज ये दोनों को मैं मेरे ब्लॉग में ले पाऊँ। इसके बाद मुझे राइड विथ राज ने बताया कि उनका एक मीटअप हो रहा है 6 o'clock को, 5 o'clock को कैफ़े गराज, रॉयल इनफील्ड कैफ़े गराज में, तो वहाँ पे हम गए, हम लोगों ने उनको मिला। एंड इसके अलावा वहाँ पे दीनू भाई को मिले, दीनू वॉल्ट जो बाइक रिव्यू करता है। इसके अलावा बुल्लू भाई मिले, बुल्लू भाई पार्ट ऑफ व्लॉग हुआ। ये सबके अलावा बुल्लू भाई के साथ एक करीब करीब आधा पौने घंटे हम लोग रोड पे रुक के बात कर रहे थे, हम लोग 4-5 दोस्त लोग थे, तो बुल्लू भाई के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हुआ, बहुत अच्छा दिन गया आज का। तो राइडर मेनिया 2019 यहाँ पे ख़त्म होता है। राइडर मेनिया तो मैं फुल एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था, सब इवेंट नहीं अटेंड किया, लेकिन होप करता हूँ 2020 राइडर मेनिया If God permits, मैं यहाँ पे आऊँगा, अच्छे व्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को व्यू शेयर करूँगा। ये वीडियो में भी राइडर मीनिया में भी एक्चुअली राइडर मीनिया के बारे में बहुत कम आपको दिखाई देगा क्योंकि राइडर मीनिया के बारे में ऐसा दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इवेंट है ऐसा थोड़ा एज रिस्ट्रिक्शंस के वजह से मुझे वो वीडियो सब नहीं लिया है मैंने, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी एज रिस्ट्रिक्शन है, किड्स का कंटेंट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग के बाद बहुत प्रॉब्लम्स है, तो मैं वो सब चीज़ नहीं करना चाहता इन्वॉल्व इसके अंदर। बहुत अच्छा लगा ये आज का दिन। मॉन्टी भाई को स्पेशल थैंक्स, वो क्यों मॉन्टी भाई को पता है, तो आए थे यहाँ पे टीम बाइक में हम लोग हर्षल शाही जी, हम लोग सब गए थे, उन लोग आज निकल गए क्योंकि उन लोगों को कल सबको काम पर ज्वाइन करना था, तो मेरे को आज का दिन क्योंकि मैं राइडर मीनिया अटेंड नहीं किया पूरा, तो फिर मैं सोचा एक बार राइडर मीनिया एटलीस्ट कंप्लीट करके जाऊँ, तो राइडर मीनिया कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद कल मॉर्निंग में अराउंड 5:30-6 o'clock को निकलने का प्लान है। अभी रिटर्न में मैं आया था MEMC के साथ में, रिटर्न में मैं जा रहा हूँ TST के साथ में, जो मेरा बॉम्बे का क्लब है जिसका एडमिन मॉन्टी भाई है, मॉन्टीड के नाम से जाना जाता है बंदा। और सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे डे टू पे पहुँचा, इतना कुछ कंटेंट नहीं किया क्योंकि एक्साइटमेंट में पे खाली घूमता रहा। और ये सब के अलावा मैंने मेरे बाइक के लिए एग्जॉस्ट चेंज किया है, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा डील मिला, तो मैंने मोटो विंग का एग्जॉस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ ज़्यादा है बट परफॉर्मेंस के लिए कल मुझे उसका फील फ़र्क समझ में आएगा हाईवे पे। इसके अलावा मेरे को जेरी कैंस यहाँ पे अवेलेबल था, अच्छा डील था,
तो मैंने वो भी ले लिया। वो ये दोनों एग्जॉस्ट मेरा चेंज हो गया, ओल्ड एग्जॉस्ट मेरे को मोटो विंग का मेरे बदलापुर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, और जेरी कैंस भी मेरे इधर डिलीवर होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो राइडर मेनिया का आया है, क्योंकि राइडर मेनिया में मैं केरला से आने के बाद मेरा 3 वीडियो बाकी है, इसके बीच में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राइडर मेनिया अटेंड करने आया। तो मेरा प्लान था एडिट करने का, बट सब होने के बाद रूम में आने के बाद उतना ताकत नहीं था तो सो गया। एंड कुछ पार्ट ऑफ ये वीडियो मैंने मोबाइल में शूट किया है, कुछ मेरे कैनन EOS RP पे शूट किया हुआ है, मैक्स के ऊपर शूट किया है, बहुत सारा है। तो जहाँ पे जो मिल रहा था उसके ऊपर एडजस्ट कर रहे थे मैं। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट राइडर मेनिया का वीडियो शायद जल्दी आएगा, क्योंकि मैं केरला का पार्ट में थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा काम बाकी है, एंड वो वीडियो इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, वो मेरे को थोड़ा अच्छे से बनाना है। तो मैं शायद इसके बाद कंटिन्यू करूँ, लेकिन कंटिन्यूस वीडियो डालना ये मेरा इच्छा है। अब आने वाले दिनों में महीने में 2 या 3 वीडियो तो मैं डालूँगा, ये मेरा इच्छा है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ ब्यूटिफुल डे। एंड कल का जो व्लॉग होगा वो होगा बॉम्बे बागातोर टू बॉम्बे, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग 5:36 के रेंज में मॉन्टीवाई का टाइमिंग बोला हुआ है, वो रेंज में हम लोग निकलेंगे और हम लोग शाम तक बदलापुर पहुँच जाएंगे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। बाय बाय।